हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस अभी अपने साथ में है KTM की एडवेंचर 390। इसका हम लोग करने वाले हैं आज फुल डिटेल रिव्यू। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के हेडलैम्प से। तो हेडलैम्प आप लोग को LED देखने को मिल जाता है, DRL भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आप लोग को वाइजर देखने को मिल जाता है इस बाइक में, एंड नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ है, एंड यहाँ पे KTM का इंडिकेटर मिल जाता है LED वाला, एंड यहाँ पे जो आप लोग को फ्रंट का जो टायर साइज मिल जाता है वो मिलता है 100 सेक्शन का, एंड जो डिस्क का साइज होने वाला वो मिल जाता है 320mm का। फ्रंट का जो अलॉय का ट्रैश सेक्शन है वो है आपको 19 इंची का। एक अपेक्स सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे KTM की ब्रांडिंग है, यहाँ पे एडवेंचर X390 की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है, एंड इंजन सेम होने वाला है RC सीरीज वाला, जो कि होने वाला है 373cc का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 42.3 BHP की, एंड टॉर्क जनरेट करता है 37mm का, एंड जबकि पावरफुल इंजन है जो कि 6-speed मैनुअल गियर के साथ में आता है, एंड यहाँ पे आप लोग को ओपन चेंज सिस्टम मिल जाता है, एंड आप लोग को फुट पैक्स वगैरह जो है वो ऑफ रोडिंग जैसे ही स्टाइलिंग के मिलते हैं। आप लोग को इसमें जो है स्विंग आर्म जो है वो अल्मीनियम का मिलता है, जो कि RC सीरीज में मिलता है वो सेम ही मिल जाएगा, एंड पीछे का लुक क्या कि ज़्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में, एंड यहाँ पे आप लोग ग्रैब रेल्स वगैरह बहुत तगड़े मिल जाते हैं। LED आप लोग को जो इसमें टेल लैंप मिल जाता है, इंडिकेटर LED मिल जाते हैं, नंबर प्लेट की जगह रिफ्लेक्टर भी दे रखा है, एंड यहाँ पे पीछे का जो टायर सेक्शन है वो आप लोगों को मिल जाता है 130 का, एंड 17 इंची के अवेलेबल के साथ में, एंड जो डिस्क का साइज होने वाला वो होने वाला है 230, एंड यहाँ पे एग्जॉस्ट काफी नए डिजाइन के दे रखे हैं, उसका साउंड मैं आपको आगे सुना दूंगा। यहाँ पे फुट पैक्स देख सकते हो आपको, जो कि ऑफ रोडिंग टाइप के दे रखे हैं। यहाँ पे आप लोग को जो सेफ्टी के लिए गार्ड देखने को मिल जाता है, हैंडल पे भी हैंडल गार्ड वगैरह जो है इंस्टॉल किए हुए हैं, एंड सीट जो है आप लोग को 2 पार्ट में डिवाइड मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा लंबी चौड़े सीट दे रखे हैं, एंड यहाँ पे E20 की ब्रांडिंग दे रखी। सो गाइस एक बार मैं बाइक को ऑन करके आप लोग को इसका डिजिटल मीटर शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जो आपको डिजिटल मीटर मिल जाते हैं यहाँ पे देखने को, यहाँ पे आप लोग को TFT नहीं मिलती है, यहाँ पे आप लोग को इग्निशन का स्विच मिल जाता है, सेल्फ मिल जाते हैं, हॉर्न, एंड यहाँ पे हैंड गार्ड जो है पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं, एंड फ्रंट का DRL आप चेकआउट कर सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइट है, कितना ज़्यादा ही सेक्सी लग रहा है। एक बार मैं इसका इंडिकेटर को जो है वो प्रेस करके दिखाता हूँ कि इंडिकेटर का ब्राइटनेस कितना ज़्यादा तगड़ा है। नॉर्मल जितने KTM के बाइक्स है सब में यही इंडिकेटर लगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। सो गाइस अब मैं आपके बाइक को ऑन करके इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि कैसा एग्जॉस्ट का साउंड है। एंड गाइज इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका जो है 2,80,000 एक शोरूम प्राइस है, एंड इसमें कलर्स आप लोग को 2 मिल जाते हैं, एक ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर भी आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइज करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट पैर से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी एप एंड राइट से।